अस्सलामु अलैकुम, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से आज हिमावत जी ने हमारा ब्लॉग शुरू किया है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? और आज आप लोग जो है ना हिमावत जी को बहुत सारी दुआएं देना, और उनकी आवाज़ तो बहुत माशाल्लाह है ही, उनका नेचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छी हैं वो। और साथ में मोनू भाई को और हमारी सानिया को, क्योंकि आज खास करके उसका बर्थडे है, तो उसको भी बहुत सारी दुआएँ देना, साथ में हमें भी देना, क्योंकि हम सभी को दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला से आप लोग यही दुआ करना कि अल्लाह ताला इन सबको खुश रखे और हमारी जो भी फैमिली है सबको एक साथ में रखे, जोड़े रखे और दिल से दिल मिले रहें और खुशियाँ आए बहुत सारी, क्योंकि बस यही ज़िंदगी का नाम है। और इस ज़िंदगी में अगर ये चीज़ नहीं होती है ना, तो मतलब कुछ भी नहीं है फिर। तो इसलिए जो है ना, आप सभी इन सबको दुआएं देना। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, लंबी उम्र हो, बड़ी हो जाओ, खूब तरक्की करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, और कलेक्टर बन जाए। कलेक्टर बनना है, चलो अल्लाह नसीब करेंगे। नींद आ रही है क्या? चलो चलो सो जाओ फिर से। चलो आप बना के चले। मोहनी को लगे आई है बहुत सारी गर्मी। मेरा गुलाब सप्पी का ब्लॉग चल रहा है। ये देखो कैसे चम्मच पकड़ना चाह रही हो उधर साइड से जाके। अच्छा पहले क्या सर्दी के टाइम के थे। तो यहाँ पे ये लोग जा रहे हैं मार्केट, और बस यहाँ पे ये लोग जो है ना बिरयानी का ऑर्डर देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि शाम के खाने में बिरयानी बनेगी और साथ में बनेगा जर्दा, तो बस वही चीज़ के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सामान भी इनको ख़रीदना है, ऊपर से फिर जो है भटियारे को भी देना है, तो फिर खाना बनेगा, क्योंकि फिर शाम ही हो जाएगी, क्योंकि रात का ही खाना है। तो यहाँ पे ये लोग आए हैं झांसी का फेमस बिरयानी वाले के पास में, क्योंकि इनसे ही हम लोग बनवाने वाले हैं। पहले तो बिरयानी यहाँ की टेस्ट कर रहे हैं ये लोग, और उनसे बातें भी कर रहे हैं कि इतने लोगों की बिरयानी बनेगी, आप कितने बजे तक दे दोगे, तो सारी बातचीत यहाँ पे इन लोगों की चल रही है। अभी हम लोग रेडी रेडी हो गए हैं और बस आज है सानिया का बर्थडे, तो उसी की तैयारियां चल रही हैं। ये लोग गए हैं अभी मार्केट से, अभी लॉटरी का फिर टाइम के गए हैं ये लोग, 12:15 के करीब बन के गए हैं, लेकिन अभी बज रहे हैं 3 और अभी तक इनमें से कोई भी नहीं आया। मोनू भाई भी गए हैं साथ में, ये भी गए हैं, भैया भी गए हैं, तो और अभी सानिया को यहाँ पे लेटे लेटे बुखार भी आ गया है, बर्थडे गर्ल बीमार भी हो गई है, है ना? जल्दी जल्दी सही हो जाओ, फिर बर्थडे कैसे बनेगा शाम को? जल्दी दवाई खा लेना, सही हो जाओगी, है ना? ठीक है। अभी हुरू भी सो गई थी तो अभी उठ गई हैं, तो वो अपनी बड़ी मम्मी के पास में खेल रही हैं, और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, अभी बाजी वाजी सब बात कर रहे थे बैठ के। तो अभी ये लोग आ गए हैं और साथ में लेकर के आए हैं ये सारे खाने पीने की चीज़ें, पानी पूरी आई हैं और पता नहीं क्या क्या आया, देखते हैं इसमें क्या क्या आया है। अच्छा बनाना आए हैं, तो ये चीज तो यहाँ पे जो पानी पूरी आई थी वो सभी लोग यहाँ पे बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं, और साथ में हमारी हुरन भी एंजॉय कर रही है, वो सारी पानी पूरी को फोड़ रही है अपने हाथों से, क्योंकि इनाया भी है तो वो भी खेल रही है साथ में, तो वो कहना हुरन को दे रही है बार बार से, तो हुरन सारी पानी पूरी जो फोड़ दे रही है, और यहाँ पे अपने बड़े पापा के साथ में वो मस्ती कर रही है। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले भी आ गए हैं, क्योंकि कुरान खानी करवाई है आज, तो घर में हम लोगों ने रात में ही प्लान कर लिया था कि यह सुबह के टाइम में हम लोग कुरान खानी करवाएंगे और शाम के टाइम में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। सिर्फ घर ही घर के लोग होंगे, ज़्यादा कोई नहीं आने वाला है, और फिर आप लोग शाम को देख लेना कि कौन कौन आया सानिया के बर्थडे में। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत इन्जॉय भी किया हम लोगों ने। Yeah.
कैसे लग रहा भाभी? अच्छा लग रहा है। वो पता है बनाने वाला पंजाब का था ना? अस्सलामुअलैकुम आपी जी। अस्सलामुअलैकुम आपी जी। मोनू भाई, तो बस यहाँ पे अभी हम लोग पानी पूरी खाने के बाद में यहाँ पे लगा रहे हैं नाश्ता बच्चों के लिए, क्योंकि शाम को खाने के लिए हम लोगों ने बुलाया था और खाना हो गया था लेट क्योंकि बच्चे आ गए थे जल्दी और हम लोगों ने शाम के खाने के लिए बुलाया था, तो इसलिए जो है ना खाना लेट हो गया है। लेकिन पहले हम नाश्ता यहाँ पे लगा देते हैं। और पता है गाइस, जब हम सब लोग बैठे हुए थे ना तो हम लोग सीमा वाजी से बात कर रहे थे और हम बोल रहे थे कि यूट्यूब पर पता नहीं कैसे 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 कमेंट्स आते हैं कि दिल को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो मैंने बाजी से बोला कि बाजी, अगर आपका चैनल होता तो आप कैसे जवाब देती हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं तो बस उनसे यही कहती कि ऐसे कमेंट्स ना करें कि किसी का दिल दुखे या फिर घर बर्बाद हो। हमेशा अच्छे अच्छे बातें करना चाहिए, हमेशा अच्छी दुआएं देना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, ना ही बुराई किसी की सुननी चाहिए। तो ये सब चीज़ जो है ना, अलग हो कितना ज़्यादा बुरा लगता है और ये बहुत बड़ा गुनाह भी है। तो जो भी मेरी बहनें यूट्यूब देखती हैं उनसे भी इसे कहना चाहूँगी कि जैसे आपका घर है वैसे ही हमारा घर है, हम अपने घर में मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं, है ना। और ऐसे ही आप लोग भी कमेंट करें कि मोहब्बत भरे कमेंट करें कि सबको सुन करके देख करके उन लोगों को भी अच्छा लगे। हमेशा देखो हमारी वीडियो में यही रहता है कि हम आप लोगों को खुश करने की कोशिश करें, अच्छे से अच्छी चीज़ें दिखाएं, ना कि देखो सभी के घरों में वैसे तो खैर दुख बहुत सारे हैं। तो इसलिए तो हम लोग सोचते हैं कि आप लोगों को तो कम से कम हम लोग अच्छी अच्छी वीडियो दें, जिससे कि आप लोग वीडियो देख करके हैं आपका माइंड फ्रेश हो जाए, क्योंकि सभी के घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, सभी कुछ ना कुछ परेशानियों से गुजर रहे होते हैं। तो इसलिए हम लोग की कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को तक अच्छी से अच्छी वीडियोस पहुंचाएं, ताकि आप लोग हमारी वीडियो देखें, उससे कुछ सीखें या फिर आप लोगों का दिल खुश हो जाए उस चीज़ को देखकर, माइंड फ्रेश हो जाए। और अच्छे अच्छे कमेंट करना चाहिए ताकि जो भी मेहनत कर रहा है अपने यूट्यूब के ऊपर, अपने चैनल के ऊपर, तो उसके दूसरे को भी खुशी हो कि भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, कि दूसरे भी खुश हों, सराहना मिले उसको और अच्छा लगे कि और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचाए। तो बस यही है, बाजी बातें बता रही थी मुझे और हम सभी लोग बैठे हुए थे वैसे तो यही बारे में बातें कर रहे थे। अलैका या हबीब अल्लाह व अला अलैका व असहाबिक अलैहि अजमईन। या इलाही हर जगह तेरी आता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहर मुश्किल खुशा का साथ हो। या इलाही जो नेक दुआएं हम तुझसे करें कुर्सियों के लब से, आमीन रब्बना का साथ हो। या इलाही जब चलो तारीख राह पुल सिरात, आफ्ताब हाशमी नूरुल हुदा का साथ हो। मालिक मौला करीम कुरान खाने के बाद फातिहा के बाद मौला दरुद व सलाम की अकीदत व मोहब्बत तेरे तेरे महबूब हम सब के आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजर की मौला कबूल अता फरमा। मौला दरुद व सलाम की बरकतों से मौला नूर चश्मी सानिया खान सल्लमा मौला और जो इस महफिल में है मौला सबू की जिंदगी में खैर व बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, हर जमीनी आसमानी बलाओं से, हर आने वाली अचानक मुसीबतों से, परेशानियों से मौला हम सब की, इस घर में रहने वालों की, इस घर में बसने वालों की, इस घर से ताल्लुक रखने वालों की मौला हिफाजत फरमा मौला। ए अल्लाह, तुझे लगती नहीं बार, ना हो तुझसे कोई मायूस उम्मीदवार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी व नूर अर्शिही व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम राहिमीन। आप लोग तशरीफ रखें, छोटा सा जवाब से सीधे हाथ से पीजिए बाबू, सीधे हाथ से पीना चाहिए, खाना चाहिए सीधे हाथ से, पीना चाहिए सीधे हाथ से। हाँ नहीं, ये है खाओ बेटा, दम से खाओ, चिंता नहीं करो।
अभी खाना खा लो, अब रात तक नहीं खाना भी जा नहीं, खाना खाने के टाइम पे भी अभी आना है आपजी, 7 बजे के टाइम पे आने। हाँ सबके लिए वो आपजी बना नहीं, फिर कहाँ जाएगा खाना वो। ठीक है ठीक है जी, शाम को आ जाना बेटा। हाँ 7 बजे आए हैं ना सब लोग, ठीक है आ जाएंगे ना आपजी, आप क्या दीजिए। नहीं आएंगे, दौड़ा दौड़ा के लाएंगे बच्चों को। आप जी का लेट हो गया, बनाने वाले थे ना वो लेट होगा बनाने में। अरे हमें कह देते हैं, कह देते तो 4 बजे के, हम सब 2 बजे रखें। तो यहाँ पे सारे बच्चे और मौलाना साहब चले गए हैं, तो हम लोग बैठ करके यहाँ पे बातें कर रहे हैं क्योंकि गेस्ट लोग के आने का भी टाइम हो गया है और हम लोग को चेंज भी करने हैं कपड़े। खैर मुझे तो कपड़े चेंज नहीं करने हैं क्योंकि मैंने पहले ही पहन लिए थे कपड़े और मुझे बार बार से चेंज नहीं करने हैं। बाकी सारे लोग जो भी हैं इन लोगों को चेंज करना है। तो बस अभी गेस्ट लोग आने वाले हैं तो इससे पहले हम सब लोग रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पे हुरैन अपनी पप्पी के साथ में खेल रही थी, सानिया अप्पी के साथ में खेल रही थी, और यहाँ पे सीमावाजी जो है रसमलाई निकाल रही हैं और बहुत ही टेस्टी रसमलाई यहाँ की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। बाकी और शहरों की मैंने खाई है, मुरैना की खाई है, शिपरी की खाई है, लेकिन यहाँ की मुझे सबसे ज़्यादा टेस्टी लगी है। वैसे मैं मिठाइयाँ खाती नहीं थी लेकिन अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके सीख गई हूँ क्योंकि मेरे ससुराल वालों को सभी को जो है ना मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर भाई मैं कहाँ से अलग हो जाऊँगी, मुझे भी ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। खैर तो बस यहाँ पे बच्चे कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर के आए हुए थे, मैगी वगैरह, तो बस यही जो है सानिया शूट कर रही हैं। तो सानिया को दिखा रही है आलिया कि मैं ये सारी चीज़ें लेकर के आई हूँ। इनू आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा। तो रूह कैसा लग रहा है? और जब भी हम लेडीज़ों को टाइम मिलता है वैसे ही बातें शुरू हो जाती है, बातें बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे थे यहाँ पे। और रात के 2-3 बज जाते थे हम लोगों को बातें करते करते क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मिलते हैं ना, फ़ोन पे इतनी बातें हो नहीं पाती हैं, लेकिन जब मिलते हैं सामने से तो बहुत सारी बातें निकलती हैं। तो बस यहाँ पे बातें ही चल रही हैं और यहाँ पे मैं बैठी हूँ आगे कूलर के सामने ही क्योंकि हुरैन बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस यहाँ पे भी मैं सामने बैठा लिया है उसको और यहाँ पे बच्चे बाहर खेल रहे हैं क्योंकि सीमा जी के घर का व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब ऐसी ज़्यादा रोड चलती नहीं है तो बच्चे आराम से खेल कूद रहे हैं बाहर भी। तो ये मेरा आज का वीडियो था, कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़।